accidents. Did you know more than 12% of the world's total road accidents take place in India? Did you know almost 426 people lose their lives every day on Indian roads due to two-wheeler accidents, which means almost 18 people an hour? Now that is a pretty significant number. So what exactly is the issue? The issue is that even today in 2023, we don't take road safety measures seriously, and we wear seat belts, wear helmets just for the sake of wearing them, just to save ourselves from the fines of cops. But we don't realize the importance of these small yet important safety measures. We at Motorbeam think it is our social responsibility to bring about some change, some awareness from our end, which is why we have partnered with Steelbird to distribute free helmets to helmetless riders. Helping us with this initiative will be the officials from Maharashtra, Spain, RTO, and together we shall bring about some change. Let's do this. रोड पे इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे बाइक, से छोटे से डिस्टेंस में भी कुछ भी हो सकता है। कितना भी डिस्टेंस हो, 1 किलोमीटर हो या 10 किलोमीटर हो, हेलमेट आपको हमेशा पहनना चाहिए। हेलमेट सिर्फ इनके लिए जरूरी नहीं, आपके लिए भी जरूरी है उतना है। दोनों एक ही बाइक पे जा रहे हो, आप भी हो ना, सबके लिए जरूरी है। बताए आप हेलमेट क्यों नहीं पहनते? मजा आता है ऐसे, फेस पे हवा आती है राइड करते वक्त। नहीं सर, इधर इसके लिए नहीं। लेकिन अभी देखिए, डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो या 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर, अपने रोड ऐसे है और इतने लोग हैं रोड पे कि कहीं भी किसी और की गलती की वजह से भी कुछ हो सकता है। मैं तो बोलता हूँ यंग ओल्ड सबको सेम हेलमेट पहनना चाहिए, आज राइडर को भी और पिलियन को भी। घर पे लोग वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं रहता, इसको पूरा पूरा खींच के दबा होना चाहिए। इसलिए हम लोग ये रोड सेफ्टी अवेयरनेस कर रहे हैं कि सबको एक एक हेलमेट दे रहे हैं स्टीलबर्ड की तरफ से, और ये आपके मतलब सेफ्टी के लिए। तो ये प्लीज इसको पढ़िए घर पे जाके और अपने दोस्तों को भी दीजिए। लोग हेलमेट पहनते पुलिस की फाइन से बचने के लिए, खुद की सेफ्टी का नहीं देखते। जैसे ही वो देखेंगे कि आगे पुलिस है या चेक पॉइंट है, हेलमेट पहन लेंगे फिर वापस निकाल देंगे। तो ये बहुत गलत बात है, इसमें आप फाइन से बच जाओगे लेकिन सेफ्टी तो आप अपनी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। इसलिए हम मतलब हमारे सभी व्यूअर्स को, जो ये वीडियो जाएगी ऑनलाइन, सभी व्यूअर्स को, रीडर्स, सब्सक्राइबर, सभी लोगों को और आप सभी को बताते हैं कि हेलमेट पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। घर पे लोग वेट कर रहे हैं आपकी, तो हम मतलब आशा करते हैं कि आप सबको ये बताएंगे घर पे जाके कि हेलमेट का कितना इम्पोर्टेंस होता है, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार वालों के लिए, आपके दोस्तों के लिए। त्यांच्या संकल्पनेतून आपण या ठिकाणी जर काही समुपदेशन करून आणि हेलमेट वापरण्याचं, हे हेलमेट आपल्यासाठीच आहे, आपल्या पाठीमागे बसलेल्या पिलियरने सुद्धा हेलमेट वापरला पाहिजे। मोटरसायकल स्वार वाहन चालवताना हायवेवरून शहरातून हेल्मेट ही एक अडचण म्हणून टाळतात आणि फक्त त्याच्याकडचा उद्देश त्यांचा हे असतो की बाबा पोलीस आणि RTO डिपार्टमेंटच्या फाईनमधनं वाचण्यासाठी। पोलीस दिसला की तेवढा पुरतं हेल्मेट घालायचं, परत जाताना काढून ठेवायचं। गलती से हाथ से छूट गया तो मोबाइल खराब हो गया, इसलिए हमने 600 का 700 का स्क्रैच गार्ड लगाया है। हमारे दिमाग की कितनी वैल्यू है उसके लिए क्या किया है हमने, तो अपने दिमाग की कीमत समझिए। जितनी भी आप मोबाइल को जितना अहमियत देते हो उससे लाखों गुना ज़्यादा हमारे सर को अहमियत देनी चाहिए। इसके पीछे फैमिली है, देश की इकोनॉमी है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है। इसीलिए मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग खुद हेलमेट पहनेंगे, अपने दोस्तों को पहनने के लिए कहेंगे। आपको यहाँ पे इतना ही विजन मिलना चाहिए, आपके नोज, दिस इज द नोज क्लिप, ओके, सो दिस इज नोज डिफ्लेक्टर। आप अगर अपने हेलमेट खुला रखा, कांच खुला रखा, आपके नाक में कभी धूल नहीं जाएगी, ओके, इट विल नॉट हिट योर नोज, इट विल नॉट हिट योर माउथ, इट विल बी इन योर चीक एरिया, ओके।